क्रेमर्स रूल हम लोग टू सेट्स का कर रहे हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये हम लोग का क्वेश्चन है आपका सोल्व बाई क्रेमर्स रूल, 2x + 3y = 8, x - 2y = -3। किस तरीके से करेंगे ध्यान से सुनिएगा। सॉल्यूशन, फाइंड डिटरमिनेंट्स डी और डेल्टा। डिटरमिनेंट्स को हम डी कहते हैं या तो डेल्टा कहते हैं। बाय यूजिंग आपको कैसे सोल्व कर रहे हैं भाई, क्रेमर्स रूल के जरिए सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग स्टेप वन सोल्व करेंगे। स्टेप वन में हमें डेल्टा का वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे करेंगे सुनिएगा। यहाँ पे स्टेप वन लिखेंगे, यहाँ डेल्टा शो कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ अल्फाबेटिकल है। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू और कुछ कौन सा वैल्यू हम लोग का, अल्फाबेटिकल। न्यूमेरिकल वैल्यू को ले लेंगे, जैसे 2 है 2 को ले लिए। इसके आगे कुछ नहीं, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है 1 को ले लिया। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल वैल्यू को हटा देंगे। दो स्टेप को हम ले लिए। अब क्या करना है हम लोगों को, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका ऊपर से हम लोग हमेशा करते हैं। 2 × 2 कितना हो रहा है, -4। 2 × 2 -4, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना रहा, 3। ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो लिख देंगे -4, और माइनस करना तो -3। तो 4 -4 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन वही रहेगा, तो -7। ये हमारा डेल्टा वन डेल्टा हो गया। अब स्टेप टू में हम डेल्टा वन निकालेंगे, तो डेल्टा वन कैसे निकालेंगे, ये आपको दिया हुआ वैल्यू, ठीक है, और इक्वल टू में ये वैल्यू है, तो ये इक्वल टू वाला वैल्यू ना इसको रिप्लेस करेगा 2 1 को, माने 2 1 के बदले हम इक्वल टू वाला वैल्यू को बैठा देंगे 8 - 3। 2 1 के बदले हम ये इक्वल टू वाला वैल्यू को बैठा देंगे 8 - 3, इसको सेम रखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इधर से इधर, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -16, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो -16 माइनस, ये -9 रहेगा ना, तो ब्रैकेट डाल दीजिएगा, क्योंकि माइनस तो करना ही है ऑलरेडी, वो माइनस में है, तो -9 कर देंगे, तो -9 कितना हो जाएगा, प्लस, -9 प्लस, तो 16 में से 9 जाएगा कितना होगा, -7, क्योंकि माइनस का साइन 12। फिर स्टेप 3 में हम लोग को निकालना डेल्टा 2। कैसे डेल्टा 2 निकालेंगे, ये सेम उतर जाएगा, इसके बदले ये रिप्लेस हो जाएगा, माने क्रेमर्स रूल कब जाकर के कंप्लीट होगा, जब इक्वल टू वाला पहला वाला को रिप्लेस कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरा वाला को रिप्लेस कर लिया। जब तक रिप्लेस नहीं होगा तब तक आपको सॉल्व करना है। तो 3 और 2 के जगह क्या बैठा देंगे भाई, 8 - 3 बैठा लिया। अब ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई करिए, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -6, और 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सोल्व करने का तरीका, नीचे वाला में से ऊपर को माइनस करना है, तो -6 - -8, तो -6 और -8 कितना हो रहा, -14। अब पूरा का पूरा हम लोग रिप्लेस कर चुके हैं, तो अब डेल्टा का वैल्यू नहीं निकलेगा। अब हम लोग स्टेप 4 में किसका वैल्यू निकालेंगे, एक्स का और वाई का। अगर मान लीजिए एक्स की जगह ए दिया है और बी, वाई की जगह बी दिया, तो ए और बी का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो स्टेप 4 लिखेंगे एक्स, इसका फॉर्मूला है डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा। डेल्टा 1 का वैल्यू कितना भाई, -7, और डेल्टा का वैल्यू कितना, -7, तो -7 - -7 इसका वैल्यू कितना हो, 1। वाई का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा, तो डेल्टा 2 कितना हम लोगों का निकला, -14, और डेल्टा कितना, -7, तो -14 - -7 कितना हो रहा, डिवाइड बाई 2, माने एक्स का वैल्यू 1 आ रहा, वाई का वैल्यू 2 आ रहा। ये जाकर के हमारा पूरा क्रेमर्स रूल अब जाकर के कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से हम लोग को सबको सोल्व करना है। पहले स्टेप 1 में नॉर्मल जो लिखा वो कर दीजिए, स्टेप 2 में पहला वाला रिप्लेस कर देंगे इसको, फिर मल्टीप्लाई करके जैसे कर रहे वैसे कर देंगे, स्टेप 2 में दूसरा वाला को रिप्लेस कर देंगे, पहला वाला सेम रहेगा, दूसरा वाला को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, वैल्यू निकल गया इस तरीका से। स्टेप 4 में एक्स का वैल्यू निकाला, तो एक्स का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा। वाई का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला बैठाएंगे और उसका वैल्यू को भर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा, माने एक्स का वैल्यू 1 आया है, वाई का वैल्यू 2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अगर टू सेट्स का क्रेमर्स रूल आता है तो।